नमस्कार, वीएच न्यूज देख रहे हैं आप सभी लोग और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। वीएच न्यूज के स्पेशल टॉक शो में हमारे साथ आज मौजूद हैं उर्वशी गौर जी, जो कि मैक्सिको से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर। उर्वशी जी, बहुत स्वागत है आपका वीएच न्यूज। थैंक यू सो मच हेमंत। उर्वशी जी, सबसे पहले क्योंकि पूरे दुनिया में बात कोरोना को लेकर की जा रही है, तो शुरुआत हम कोरोना से करेंगे। और सबसे पहले तो वहाँ के हालात, यानी कि आप मैक्सिको में हैं इस वक्त, तो सबसे पहले मैं थोड़े से हालात वहाँ के पूछना चाहूंगा। तो हेमंत जी, मेक्सिको का जो आंकड़ा है वो आपको मैं बता देती हूँ कि हर शाम 7:30 बजे गवर्नमेंट रिलीज करती है ऑफिशियल आंकड़ा। वो ऑफिशियल आंकड़ा कल का मैं आपको बता देती हूँ। कंफर्म्ड केसेस जो आए हैं वो 38,324 कंफर्म्ड केसेस हैं और डेथ 3,926 रिकॉर्ड की गई हैं। और आपको अगर सिर्फ एक दिन का आंकड़ा मैं बताऊं तो 1,997 केसेस एक दिन में रिकॉर्ड किए गए हैं और 353 डेथ रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि ये कहा जा रहा है कि मेक्सिको में सबसे ज्यादा डेडलीस्ट डे था ये जो 12 मई का गया, क्योंकि सबसे ज्यादा डेथ रिकॉर्ड की गई हैं इस दिन में। वहीं आपको बता दूं कि मेक्सिको में, जहां मैं रह रही हूं, जो मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी, उसमें वो सबसे नंबर वन पर चल रही है इस वक्त। यहां पर 9,983 केसेस हैं और 819 डेथ दर्ज की जा चुकी है यहां पर, और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। अनऑफिशियल आंकड़ा बहुत ज्यादा है। ठीक है। क्या लग रहा है आपको कि अभी हम पूरे दुनिया में देख पा रहे हैं कि कोरोना को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, वैक्सीन की बात हो रही है तो वो बोल रहे हैं कि अभी उसमें टाइम लगने वाला है। यहाँ पर भी बातें, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अलग अलग प्रदेशों के मुखिया हो, वो ये जिक्र कर रहे हैं कि अब हमको इसके साथ आदत डालनी पड़ेगी। मैक्सिको को लेकर क्या लगता है कि इस फाइट से मैक्सिको आग निकलने वाला है, कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है वहां? जी देखिए, ये जो आपने बोला, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन वैक्सीन अभी तक नहीं आई है और इसमें भी समय लगेगा, ये हम सभी जानते हैं। कोई भी वैक्सीन अगर आएगी तो अभी टेस्टिंग बहुत लोगों की हो गई है, उसके बाद प्रोडक्शन पे जाएगा, उसके बाद देखिए प्रोडक्शन के बाद फिर पहुंचेगी देशों तक, तो अभी इसमें बहुत समय लगने वाला है। तो वहीं मेक्सिको में भी ये शुरू से ही मेक्सिको का ये रहा है एक एटीट्यूड कि देखा जाएगा, जीना सीखिए, कुछ नहीं होगा, ये शुरू से ही रहा है। लेकिन जब क्रिटिसाइज थोड़ा सा होने लगा मेक्सिको, तो हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर लागू कर दी गई। लेकिन अब इकोनॉमी इतनी गिर रही है कि आज ही यहाँ के प्रेसिडेंट का एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, उन्होंने कहा है सुबह की कॉन्फ्रेंस में कि हम फेज वाइज धीरे धीरे खोलना शुरू करेंगे। हालांकि लोगों में अभी यहाँ पर कंफ्यूजन बना हुआ है कि कल से क्या खुलने वाले हैं, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो शायद मंडे से खुल जाए यहाँ पर। लेकिन अभी एक मैसेज भी मैं पढ़ रही थी कि लोग, इंडियंस अभी यहाँ पर आपस में पूछ रहे हैं कि कल से मेरे आसपास के रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलने वाले हैं, तो क्या इस स्थिति में, मतलब खुलना शुरू हो गया है मेक्सिको में लॉकडाउन, तो अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि अब धीरे धीरे हम खुलना शुरू करेंगे। और गवर्नमेंट के हिसाब से उनको ये लग रहा है, गवर्नमेंट को, कि हमने कंट्रोल कर लिया है और यहाँ का जो कर्व है वो फ्लैटन होना शुरू हो गया है। अगर मैं, क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है, कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा स्थिति जो है पूरी वर्ल्ड में खराब है इकोनॉमी की, स्लोडाउन पहले से ही था, तो टूरिज्म की अगर हम दृष्टि से देखें मैक्सिको को, तो छठा स्थान मुझे लगता है कि आता है वर्ल्ड में, घूमने के लिए लोग वहां बहुत आते हैं, तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मैक्सिको पर इकोनॉमी, कितना इम्पैक्ट लगता है आपको? इकोनॉमी बहुत इम्पैक्ट है, प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब्स तो गई है यहाँ पर, जो मध्यम वर्ग है उनकी जॉब्स गई हैं, उससे नीचे जो यहाँ पर भी जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनके पास वर्क नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो इकोनॉमी पूरी तरह से हिल गई है मैक्सिको। ये लॉकडाउन, क्या इंडिया में जब ये लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, आप उस डेट से, उस तारीख से सहमत हैं? और उसके साथ साथ क्या ये एक इफेक्टिव विकल्प, इफेक्टिव एक कदम इसको माने इंडिया में, क्योंकि इसके अलावा कुछ और हमारे पास विकल्प है नहीं, तो आगे इसको कैरी कितना किया जाएगा, क्योंकि चीन जैसे वुहान शहर में फिर दोबारा से टेस्टिंग की बात चीन कर रहा है कि वहां पर फिर से केसेस आ रहे हैं, तो ये लॉकडाउन क्या हमको इसके साथ जीना पड़ेगा, क्या ऐसी स्थिति है?
जी देखिए, पहली चीज आपने जो पूछी कि इंडिया में लॉकडाउन बहुत पहले कर दिया गया था और इससे आप सहमत हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर 30 मार्च को हेल्थ इमरजेंसी लागू की गई, लेकिन इंडिया ने जो मेजर्स और प्रिकॉशंस लेने जनवरी से ही शुरू कर दिए थे और उसी का परिणाम है कि इंडिया में फिर भी अभी कंट्रोल में है ये, क्योंकि इंडिया में जो अगर ये लॉकडाउन नहीं किया जाता, अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो जितने लोग बाहर से आए थे वो और फैला सकते थे इस बीमारी को, और एक बार अगर ये लोगों में फैल जाती, घर घर में फैल जाती तो आप उसका परिणाम सोच भी नहीं सकते कि क्या स्थिति होती हमारे इंडिया में। तो लॉकडाउन करना बहुत सही था और लॉकडाउन के साथ हमें शायद जीना पड़ेगा कुछ लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल घर से, अब धीरे धीरे जो आगे समय आएगा, जो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा, लेकिन हमें कुछ नियम इसमें विपक्ष का यही बोलना है कि अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो जनता की पुकार कौन सुनेगा, एक ये जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक पैकेज पे जैसे हम जिक्र कर रहे हैं उद्वशी जी, तो इसको कैसे देखें कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि कैश मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम कैश ना देके उधारी पर एमएसएमई को देंगे और फिर एमएसएमई जो है वो रोजगार को क्रिएट करेगा और फिर वो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसको ये जो डिफरेंशिएट है, ये जो मानसिकता अलग अलग पार्टियों की या गवर्नमेंट या अपोजिशन की है, क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, क्या लगता है? देखिए, ये जो आपने बात कही कैश देने वाली बात है, इसमें पता है क्या होगा, एक तो पहले से ही ये जो गवर्नमेंट आई है वो कैश देगी नहीं, क्योंकि ये खुद ही कैशलेस उस चीज को प्रमोट करती है। पहली चीज कि कैशलेस इंडिया का अकाउंट में जाए पैसा, वो ये सीधे अकाउंट में जाए तो उसमें वो कहेंगे हमने जनधन खुलवा दिया, 500 सबके अकाउंट में गए, ठीक है। अभी इसमें भी लोग 500 रुपए पर मंथ वो कम है, वो ये बोल रहे हैं 500 रुपए कम है, ऑब्वियसली वो कम है। तो एक चीज बताइए, चलिए 500 रुपए कम है, माना क्योंकि उस गरीब के लिए 500 रुपए शायद दो रोटी का इंतजाम तो कर सकता है, लेकिन ज्यादा दिन तक वो नहीं खा पाएगा उस 500 रुपए में, अगर घर में चार लोग पांच लोग हैं तो, ठीक है। हाँ। ये माना, लेकिन आप एक चीज सोचिए कि हमारे भारत में जो ये जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो जो तबका है वो कितनी पॉपुलेशन है, मतलब अगर आप नॉर्मली देखा जाए तो शायद मैं मानती हूँ कि 40% तो होगा ही होगा ये जो तबका है। बिल्कुल। तो इसमें इतनी पॉपुलेशन है कि हर इंसान के अगर अकाउंट में डाला जाए पैसा, तो वो इस वक्त अर्थव्यवस्था इतनी हिली हुई है तो देश को उधार मांगना पड़ जाएगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि यूएस वगैरह में अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके अकाउंट में गवर्नमेंट पैसे जमा कराती है कुछ डॉलर्स में। फिगर अभी सामने आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज की बात करें, वैसे आपके पास भी पहुंचा होगा शायद, कि एक ऐसी फिगर है, तकरीबन 12,000 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं, 15,000 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं, हो चुके हैं। इसको कैसे समझे, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली में काम करने वाला इंसान हो या फिर वो कहीं किसी शॉप पर काम करता हो, वो शॉप वाला बोल रहा है कि मैं आपको रख नहीं सकता क्योंकि मेरा बिजनेस अभी चल नहीं रहा। तो इस यहाँ जरूरत थी शायद लोगों तक राहत पहुंचाने की, वो वहां राहत नहीं अभी भी पहुंची, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसको कैसे देखते हैं? हेमंत जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हर किसी तक अभी भी हेल्प नहीं पहुंची है, और बहुत बड़ा तबका है जो इस वक्त जॉबलेस बैठा हुआ है, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे गरीब, बिल्कुल गरीब हो, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हो, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि हर लोगों तक हेल्प नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इसमें मैं जो मानती हूँ ना कि इसमें एक प्रोसेस होता है कि किसी ने भी ऊपर बोल दिया, या मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया कि चलिए इतना दिया जाना चाहिए, ऐसे हेल्प की जानी चाहिए, वो लोग अपने स्टेट मिनिस्टर्स को बोलेंगे, स्टेट मिनिस्टर नीचे कर्मचारियों को बोलेंगे, कर्मचारी फिर आगे लोगों को बोलेंगे। तो इट्स अ प्रोसेस, और वो जब नीचे तक आता है ना, तो वो चाहे ऊपर वाला इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग तरीके से उस नीति को लागू करना चाहता हो, कहीं ना कहीं वो गैप्स रह जाते हैं। मजदूर हैं, उनको लेकर आपकी क्या सोच है कि इंडिया में मजदूरों के साथ वाकई में बहुत गलत हुआ? क्योंकि एक फिगर मैं देख रहा था कि इस कोरोना की कोरोना बीमारी से नहीं बल्कि कोरोना की वजह से तकरीबन 500
या 450 लोगों ने जान की चली गई है, चाहे वो एक्सीडेंट हुए हो मजदूरों के, या फिर किसी को अटैक आया हो, या तमाम और भी चीजें होंगी, लेकिन कॉज जो रहा वो कोरोना रहा। मजदूरों के साथ सरकार ने एक सिस्टमैटिक तरीके से कदम नहीं उठाया लॉकडाउन का, क्योंकि उनका कहना था भाई अगर लॉकडाउन करना था तो आप हमें पहले घर पहुंचा देते, उसके बाद लॉकडाउन करते। ये चीजें अभी भी बनी हुई, अभी ऐसे मजदूर हैं जो फंसे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मजदूरों की समस्या बहुत बड़ी है इस वक्त, क्योंकि मैं जो यहाँ से देख पा रही हूँ, जैसे मैंने वीडियोस देखे, फोटोज आई कुछ, मैसेजेस आए कुछ, तो उनकी स्थिति सच में बहुत दर्दनाक इस वक्त प्रतीत हो रही है, क्योंकि आप हम खुद उस स्थिति में जाकर जरा सोचेंगे तो हमें एहसास होगा कि इस वक्त वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं। उनके पास घर में घर नहीं है, कई लोगों को निकाल भी दिया है, या एक एक कमरे में 25-25 लोग एक साथ में रह रहे हैं, और खाने के लिए भी वो सोच रहे हैं कि क्या आज मिलेगा हमें खाना, अगर बाहर से भी मिल रहा है तो भी ये सोच रहे हैं कि आज क्या हमें खाना मिल पाएगा, क्योंकि वो काफी संख्या में लोग हैं, तो उनके लिए समस्याएं बहुत बड़ी हैं। और ये मैं जरूर मानती हूँ, देखिए दो चीजें इसमें, एक तो लॉकडाउन आपने जो कहा कि पहले उनको बोलना चाहिए था कि वो अपने घर तक चले जाते, तो अगर वो इस तरह से होता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता, क्रिएट करना चाहिए था, चाहे वो दिल्ली में रहने वाले मजदूर हो तो शायद उनको खाने पीने के पैकेट्स मिलते, तो शायद या फिर सामान काम मिलता। वो इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी कि इन लोगों के लिए सोचा नहीं गया पहले से ही, शुरू से ही। अगर लॉकडाउन करा, बिल्कुल सही डिसीजन था, बिल्कुल। अगर हर स्टेट अगर बीड़ा उठा लेती अपने पर्टिकुलर जगह के मजदूरों का कि हमारे स्टेट में इतने मजदूर हैं, उनको पहले ही बता दिया जाता कि आप यहीं पर रहिए, आपको यहीं पर खाना पहुंचाया जाएगा, और ये काम बहुत बड़ा नहीं है एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए, आराम से वो इस काम को कर सकते थे कि उन तक खाना पहुंचा सकते थे, उनको रहने की जगह व्यवस्था करा सकते थे। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है इंडिया का, मैक्सिमम आप बैठे हैं, कई लोगों से आप बातचीत भी करते होंगे, कि इंडिया ने जो कदम उठाए हैं देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि एक अच्छी पकड़ मजबूत की है पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने पिछले कई सालों से, जिसका जिक्र बार बार होता है, क्या लगता है वाकई में तारीफ भारत की है? जी, इस मामले में मैं कहूंगी कि बिल्कुल भारत ने बहुत सही कदम उठाए हैं और बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। ये मैं नहीं कह रही, यहाँ पर रह रहे बहुत इंडियंस कह रहे हैं इस बात को, उन लोग के दिमाग में भी है कि मोदी जी, पीएम मोदी ले लें, चाहे राज्य सरकारें ले लें, चाहे सीएम ले लें, कुछ सीएम ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए हैं यूपी जैसे प्रदेश में उसको कंट्रोल करने में, तो बहुत लोगों ने अपने बहुत डिसीजंस बहुत अच्छे लिए हैं और बहुत अच्छी तरह इसको कंट्रोल किया है। ये यहाँ भी ये लोग सभी लोग कह रहे हैं कब मेक्सिको के लिए फ्लाइट आएगी, मेक्सिको में फंसे हुए इंडियंस कब इंडिया वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं कल आंकड़ा देख रही थी, जो मेरी बातचीत चल रही थी, 265 प्लस स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो किसी काम से आए थे, किसी वीजा पे आए थे या घूमने के लिए आए थे, वो फंसे हुए हैं, और जो फंसे हुए हैं वो होटल्स में अंदर हैं, और वहां पर अगर जो कंपनी की तरफ से आए थे उनको रहने के लिए जगह दे दी गई है, लेकिन खाने का उनको पे करना है, और खाने का जो होटल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं। कुछ के माता पिता अकेले हैं इंडिया में और वो बहुत बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको उनकी टेंशन है, और किसी के यहाँ मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो सारे यहाँ फंसे हुए हैं और लगातार एम्बेसी से बातचीत कर रहे हैं, और एम्बेसी ने भी ये जवाब दिया है कि पॉजिटिव जवाब दिया है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेट्स सी आपके लिए कब तक फ्लाइट आती है, क्योंकि फेज टू में भी मुझे नहीं लग रहा है मेक्सिको के लिए कोई फ्लाइट अभी प्लान हुई है, तो ये सिचुएशन है। लेकिन वैसे ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा जाए तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत अच्छा ऑपरेशन है, क्योंकि जो फंसे हुए इंडियंस हैं, जो रह रहे हैं काफी समय से, जो अपनी जिनकी नौकरियां चल रही हैं, जिनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है दूसरे देशों में, लेकिन जो फंसे हुए हैं, जिनके घर में कोई परेशानी है, जिनकी जॉब चली गई है, उनके लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, एक हालांकि आखिरी सवाल मैंने बोल दिया था, लेकिन मैंने फिर भी एक आखिरी सवाल मेरे पास है, क्योंकि बात तो खैर लंबी की जा सकती है लेकिन समय का अभाव होगा। मेरा ये सवाल है कि क्योंकि हम जब पॉलिटिक्स देखते हैं तो इंडिया की पॉलिटिक्स समझ में आ रही है कि यहाँ पर विपक्ष जो है वो आरोप लगाता है, तमाम डिबेट चैनल्स पर हम देखते हैं कि वो खुले तौर पर एकदम नाराजगी जाहिर कर देते हैं,
मैक्सिको में पॉलिटिक्स का क्या हाल? देखिए मैक्सिको में भी पॉलिटिक्स है और बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिक्स है, क्योंकि मेरे को तो है ना रिएक्शन इंडिया में रहता है वैसा रिएक्शन वहां पर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ तो आपस में स्टेट्स की जो गवर्नर्स हैं, यहाँ पर स्टेट्स की जो जो गवर्नर्स हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये था कि किसी स्टेट के गवर्नर थे, वो ये बोल रहे थे कि हम मेक्सिको सिटी से आए हुए कोई भी लोगों को अटेंड नहीं करेंगे, यानी कि हम अपने हॉस्पिटल्स में उनको जगह नहीं देंगे, क्योंकि औरों ने हमारी हेल्प नहीं करी तो हम क्यों हेल्प करें। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर, और राजनीति यहाँ भी देखने को मिलती है, लेकिन हाँ इतनी लगता है शायद इंडिया से भी बहुत हल्का स्तर हो गया कि हम मदद नहीं करेंगे, एकदम डिनाई कर दिया। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। ऋषि जी आपने वक्त हमको दिया, हमारे चैनल को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया और ऋषि जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे और आपसे बातचीत होती रहेगी, और मैक्सिको के क्या हालात हैं वो हम आपसे पूछते रहेंगे, और भारत की राजनीति में कोरोना वायरस, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो कोरोना वायरस से हम सबको मुक्ति मिल जाए और सारी स्थितियां जो है सामान्य हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया और विशेष जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हेमंत जी, थैंक यू।